घर पे बिरयानी जो बन रही है, इसलिए मम्मी ने मुझे पुदीना लाने के लिए भेजा है। हमारे घर के बाजू में ही यहाँ पर पुदीना है। पुदीना सब्जियों में या बिरयानी में क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेस्ट अच्छी होती है इसलिए, है ना? और साथ ही साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। दोस्तों, मैं आज आपको पुदीना खाने के पूरे फायदे बताने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं ईशान लानी और आपका ईशान गार्डन इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर अब मैं पुदीने के पास आ गया हूँ। देखिए, यहाँ पर ये पुदीना है, ये एक औषधि वनस्पति है। इसे औषध के रूप में इसके औषध बनाए जाते हैं। ये आयुर्वेद में बहुत इसका बड़ा महत्व दिया जाता है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि माउथ फ्रेशनर बनाते हैं। आपने पेपरमिंट गोली तो खाई होगी, बहुत सालों से वो है। बाद में टूथपेस्ट, इस तरह के अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये ईरान में इसे हजारों सालों से लोग खाते आए हैं। दोस्तों, ये जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, हिल्स, वहाँ पर ये ज़्यादा मिलता है। और ये अरबस्तान में, ईरान में लोग हजारों सालों से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब ये हमें बिरयानी के लिए इसके पत्ते लेने हैं। ये हमारे बालों को पोषक तत्व देता है। हमारे बाल अगर व्हाइट कलर के हो गए या हमारे बाल अगर निकल रहे हो गए, तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। अगर मुंह में छाले हैं, तो अगर हमें पुदीना का सेवन करते हैं तो मुंह में के छाले भी निकल जाते हैं। जो सांस की नली होती है, अगर हम इसका सेवन करते हैं, सांस की नली में जो सूजन आती है, वो सूजन भी दूर हो जाती है। हमारे कान में अगर दर्द हो रहा है, तो पुदीने के कुछ पत्ते लेना, उसका रस लेना है और हम कान में डालना है, फिर वो दूर हो जाता है। अस्थमा की बीमारी में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम पुदीने का सेवन करते तो अस्थमा बीमारी दूर हो जाती है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, दांत हेल्दी रखने के लिए, या जो मसूड़े दुख रहे हैं, तो भी अगर हम इसका सेवन करते हैं तो वो दुखना वो स्वस्थ रह जाते हैं। जो पेट में गड़बड़ हो जाती है, तो अगर हम पुदीना का सेवन करते हैं तो वो गड़बड़ भी दूर हो जाती है। जैसे कि डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, या नॉनवेज खाने पर थोड़ा वो नॉनवेज हैवी होता है, वो डाइजेशन होने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए अगर हम पुदीना का सेवन करते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। आपको पता ही होगा, आप अगर होटल में जाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह का दिया जाता है, कच्चा पुदीना। क्यों देते हैं? क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही ये फायदेमंद होता है। जो चिकन होता है, नॉनवेज होता है, वो हेवी होता है। अगर हम चिकन नॉनवेज खाते टाइम पुदीना का सेवन करते हैं तो दूर हो जाता है। जो आंत होती है, आंत में अगर सूजन आ जाती है, तो अगर हम पुदीना का सेवन करते हैं तो सूजन भी दूर हो जाती है। ये पेचिस की बीमारी में, ये पेचिस की बीमारी में भी बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये जो पुदीना है, ये हमें बिरयानी में या खास डिश में नहीं खाना चाहिए। हमें जो रोज के चावल होती है, उसमें भी हमें इसको डालना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए, हमारे बॉडी को जो कंटेंट चाहिए वो इसमें है, इसलिए हमें इसका रोज सेवन करना ही चाहिए। यहाँ पर यर्ष बोल रहा है, पुदीने का सेवन करने से दस्त दूर हो जाती है। छाती में अगर जलन है, तो भी अगर हम पुदीने का सेवन करते हैं तो जलन भी दूर हो जाती है। स्किन
स्किन को अगर कुछ तकलीफ है या कुछ बीमारी है, अगर हम पुदीने का सेवन करते तो वो स्किन की बीमारी दूर हो जाती है। पेशाब की तकलीफ में या टॉयलेट में अगर प्रॉब्लम है तो अगर हम पुदीने का सेवन करते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। यानी कि इसके इतने सारे फायदे हैं। फिर हमें इसको स्पेशल डिश में नहीं, हम रोज के सब्जियों में भी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हमें टेस्ट के लिए नहीं, इसके फायदे बहुत सारे हैं, इसलिए हमें इसका सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन सी होने की वजह से यह हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। और अगर हम इसकी चटनी या इसका जूस काढ़ा बना के पीते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होने लगता है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी पाते रहे। जिशान गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप स्पेशल डिश में पुदीना ना खाए, रोज के डिश में भी पुदीना खाते रहे, हर रोज खाते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।